नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बाद उठे सियासी बवाल के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में 6 महीने के भीतर चुनाव होंगे। उन्होंने इस संभावना से भी इनकार नहीं किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव लोकसभा 2019 से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव मई से पहले होने की संभावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक इन परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले मई 2019 तक होना चाहिए। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि अमेरिका की तरह हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लेने की भारत में क्षमता नहीं है। देश में अक्सर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने लादेन को ठिकाने लगाया, क्या उसी तरह भारत कभी कर पाएगा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को टारगेट करने की क्षमता भारत में कभी नहीं था। रैली के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने विवादित बयान दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा में एक सभा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमा भारती की जाति और धर्म पर सवाल उठाते हुए दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने जाति का जिक्र करते हुए कहा, इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं। दरअसल 2008 में 1 वोट से चुनाव हारे थे जोशी। राज्य की 200 सीटों पर 7 दिसंबर को होनी है वोटिंग। सिग्नेचर ब्रिज पर आज सुबह हुए एक हादसे में 2 युवक की जान चली गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा सेल्फी लेने के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 युवक सेल्फी ले रहे थे, उसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और दोनों युवक ब्रिज से नीचे गिरे। इस हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। राजधानी में 4 नवंबर को शुरू हुए इस सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने किया था। इस पुल की खासियत है कि सबसे ऊंचा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। नवंबर आज कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व है। इसके अलावा सिख धर्म में भी इन दिनों को बहुत अहमियत दी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन को गुरु नानक जयंती और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु नानक जयंती एक महत्वपूर्ण और बड़ा पर्व माना जाता है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के टीला मोड़ पर पुलिस और बदमाशों के बीच इनकाउंटर हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और 1 कांस्टेबल घायल हुआ है। दोनों बदमाशों के नाम राहुल और चंदन हैं, जो सीमापुरी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीला मोड़ पर बदमाशों को रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी फायर दिया। दोनों तरफ की फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल और बदमाश घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन बदमाशों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
साहिबाबाद क्षेत्र में ये चेकिंग चल रही थी जी, तो उस दौरान सूचना आई कि भोपुरा क्षेत्र से जो लोनी की तरफ रोड जाता है उसपे अपाचे, व्हाइट अपाचे है, उस पर कुछ संदिग्ध लोग जा रहे हैं, चेक लगाए हुए हैं, तो उनका पीछा किया गया संदिग्ध को चेक करने के लिए। आगे फिर जिला मोड़ चौकी पट्टी है, वहां भी चारों तरफ सूचना दी गई जी। आगे जाने के बाद फिर बदमाशों बदमाश संदिग्ध लगे, आगे मोड़ते गए, दाहिने साइड उन्होंने मोड़ा और उसके बाद फायर कर दिया जी। तो पुलिस ने फिर जवाबी फायरिंग किया, आगे मुठभेड़ हुई, तो उस मुठभेड़ में जो तो बदमाश है उनको गोली लगी है पैर में जी। और एक पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 80वां जन्म दिवस केक काटकर धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं मिर्जापुर में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने बरिया घाट में अपने नेता का तस्वीर रखकर मंत्रों के साथ हवन पूजन किया है। मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु होने की कामना की जा रही है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अभय यादव की अध्यक्षता में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया, साथ में जमकर नारेबाजी दीर्घायु होने की मंगल कामना की है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के लगातार उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी का जन्मदिन मिर्जापुर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने नौजवानों द्वारा माननीय नेताजी के दीर्घायु होने के लिए, उनको आरोग्य होने के लिए माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हमले में 6 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ बिजबेहरा के सेफुरा गांव में हुई है। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने सुबह तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी दौरान घर में छिपे आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के पास से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके में कुछ और आतंकी घिरे हुए होने की आशंका है। अनंतनाग में एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई है। उत्तर पूर्वांचल के प्रसिद्ध असम नलबारी के हरि मंदिर में राय महोत्सव शुरू होने जा रहा है और ये मेला 13 दिन तक चलेगा, इसलिए हरि मंदिर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। सुबह से ही हरि मंदिर प्रांगण में हरि मंदिर में ध्वजारोहण करके रास महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। विधायक अशोक शर्मा और हरि मंदिर के सभापति चंद्र कलिता ने इस शुभ आरंभ पर छोटे छोटे बच्चों ने गीत भी गाए। लोगों का मानना है कि इस मेला को देखने के लिए आसपास ही नहीं देश विदेश से भी लोग उमड़ते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा अच्छी बात है और हम लोग जितना चाहे शांतिपूर्वक घाट से कटने की कोशिश। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।